फ्रेंड्स वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारे क्लास के बच्चों के लिए, सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म को कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई नंबर आपका इस फॉर्म में है m into 10 to the power n, इस फॉर्म वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है ना? अब ये फॉर्म किस तरह से हो सकता है, इसका कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। इसका आपका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसा होगा, 2 into 10 to the power 10 हो सकता है, 3 into 10 to the power 9 हो सकता है। क्लियर है ना? इनफैक्ट आपका ऐसा भी हो सकता है 2.1 into 10 to the power 9। क्लियर है ना? आपको एक बात यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपका जो पॉइंट होगा वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। क्लियर है ना? फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर एक नंबर है 261 तो पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है 361 इंटू 10 टू द पावर 6 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका नहीं है। क्लियर है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पॉइंट को कहाँ लाना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपको बिना सॉल्व किए हुए आप बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका आंसर कितना होगा। क्लियर है? तो चलिए इसे रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 261 into 1000, उसके बाद आप बोल सकते हैं 337 इंटू 10000। क्लियर है? उसके बाद आप बोल सकते हैं 461 इंटू 2450। क्लियर है बच्चों? अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए अभी अगर मान लो मैं बोलूंगा कि पॉइंट कहां पे है, तो पॉइंट कहां पे है, अभी आपका पॉइंट यहां पे है। क्लियर है? आपको ये पॉइंट को उठा करके यहां पे लेके आना है। ठीक है ना? उससे पहले ये समझिए, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? देखिए 261 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1000 के 10 टू द पावर 3। क्लियर है? अब पॉइंट मेरा यहां पे है, पॉइंट को उठा करके कहां लाना है, यहां पे लाना है। ठीक है, अब एक आप ट्रिक देख लीजिए बढ़िया से, जब भी आप पॉइंट को आप लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब 1 2 3 ये जो पावर है वो बढ़ते चला जाएगा। और जब भी आप पॉइंट को उठा करके आप राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका क्या चीज होगा, पावर माइनस में होगा। ठीक है, यानी कि -1 -2 -3। क्लियर है? आप इसे अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसे नंबर लाइन से याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए नंबर लाइन में आप इधर जाते हैं तो नेगेटिव होता है और इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, जस्ट इसी का अपोजिट ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पॉइंट यहां पे, ठीक है, आपको यहां पे लाना है, कितना डिजिट इधर शिफ्ट कर रहे हैं, 2 डिजिट, यानी कि वहां 10 टू द पावर जो 2 होगा वो क्या चीज होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि पॉइंट आपका इधर आ रहा, तो यानी कि यहां पे 2 पावर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर पॉइंट यहां पे लाएंगे तो। क्वेश्चन अब मेरा क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2.61 × 10 टू द पावर 5। क्लियर है? चलिए और देखते हैं, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37 × 10 टू द पावर 2, 4 और 1, 5। क्लियर है ना? अभी पॉइंट मेरा कहां पे है, यहां पे, इसको शिफ्ट करना है यहां पे, तो एक डिजिट इधर आएगा तो एक पावर उधर बढ़ेगा, ऐड होगा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.7 × 10 टू द पावर 6। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसे देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 461 × 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब यहां पे मेरा पॉइंट है, पॉइंट को शिफ्ट यहां पे करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 4.61 हम लोग लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं तो पावर उधर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 5 पहले से था और 2 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 टू द पावर 7। क्लियर है ना? तो ये आप इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है 0.00057। क्लियर है ना? बोला ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, तो सबसे पहले क्या कीजिए, पॉइंट हटाइए, कितना डिजिट है, देखिए 2 4 6, यानी कि आप बोल सकते हैं 2 4 6। क्लियर है ना? ऐसा लिख सकते हैं, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो आप बोल सकते हैं 57 अपॉन 10 टू द पावर 6। क्लियर है ना?
मैं आपको पहले भी बताया हूँ या आप ये जानते भी होंगे, अगर ये नंबर को हमें ऊपर में लिखना है मतलब न्यूमरेटर में लिखना है तो हम इसे कैसा लिखेंगे, 57 इंटू 10 का जो पावर जो पॉजिटिव में वो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है ना। अब देखिए पॉइंट आपका यहाँ पे, पॉइंट हमें यहाँ लाना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक डिजिट क्या होगा बढ़ेगा, बोल सकते हैं एक पावर बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वन होगा, क्या होगा देखिए 5.7 इंटू 10, पहले माइनस 6 था और प्लस 1 हो गया। क्लियर है। तो अब इसे सॉल्व करके कितना हो जाएगा देखिए 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 5। क्लियर है बच्चों। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए यहाँ पे है 0.002, ठीक है। तो इसे आप पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10^3 लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख दिया। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, अगर ये उसके ऊपर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 10^-3। क्लियर है ना। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई डिजिट है, नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग ले लिए, 216 और यहाँ पे 5 × 0। क्लियर है ना। आपको क्या कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ऐसा 216 इंटू 10^5, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट आपका यहाँ पे, आपको शिफ्ट यहाँ पे करना है, इधर आना है, यानी कि दो डिजिट इधर क्या होगा बढ़ जाएगा, दो पावर बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 2.16 इंटू 10^5, पहले 5 था और दो और बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 2.16 इंटू 10^7। क्लियर है बच्चों। चलिए अब इसे देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे, उसी तरह पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा आपका 10^5। क्लियर है। तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, आगे का जीरो को वैल्यू नहीं तो क्या होगा 21/10^5। क्लियर है ना। अगर इसे हम लोग ऊपर लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे 10^-5। क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि पॉइंट आपका यहाँ पे, आपको शिफ्ट यहाँ पे करना है, तो वहां पे क्या होगा प्लस वन होगा, तो क्या होगा 2.1 इंटू 10^-5 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10^-4। क्लियर बच्चों। चलिए इसे देख लीजिए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1524 इंटू 10^2। क्लियर है ना। अब देखिए पॉइंट आपका यहाँ पे, आपको सिर्फ यहाँ पे करना है एक डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा देखिए 1.524 इंटू 10^2 था और यहाँ पे तीन डिजिट इधर आए तो प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.524 इंटू 10^5। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2179 इंटू 10^-9 है। क्लियर है। तो इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ शिफ्ट करना है तो क्या होगा, तीन डिजिट इधर आएगा तो क्या बोलेंगे 2.179 इंटू 10^-9 था, आपका वहां प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.179 इंटू 10^ देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी क्या हो जाएगा माइनस 6। क्लियर है ना। चलिए उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आप कीजिएगा, किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बदलिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। देखिए 21111/2430 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 211 इंटू 10^3। क्लियर है ना। पॉइंट यहाँ पे लाना है, कितना डिजिट है, चार डिजिट, तो चार जीरो उधर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 10^3 था, चार बढ़ गया यानी कि 7। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों अब क्या है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे यूजुअल फॉर्म में बदलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3.02 इंटू 10^-6 पावर नेगेटिव में, जिसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 3.02/10^6, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जब आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे दो जीरो और ऐड हो जाएगा, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं इसे 302/10^6 और इंटू 10^2। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन अब कैसा हो गया 302 × 10^8। क्लियर है ना। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे 10^8 है, हमें इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी कि 0.000 फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ 10^8 और यहाँ पे तीन डिजिट है, यानी कि पांच डिजिट और जीरो लग जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा देखिए 0.000302। क्लियर है ना। कौन कर सकते हैं आप, देखिए यहां से शिफ्ट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है ये 4.5 इंटू 10^4, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं
बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट यहां पे आ जाता है, क्या हो जाएगा 4 5 क्या हो जाएगा 3 0। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलिए उसी तरह ये वाला नंबर देखिए, -8 है, 3 × 10⁻¹। तो आप इसे ऐसा बोल सकते हैं ना, 3 / 10⁸। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट लगाना तो आपको इधर 8 डिजिट आपको इधर शिफ्ट करना होगा ना, तो क्या हो जाएगा देखिए 0.0000003। क्लियर है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।